नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। इंडियन नेवी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है सिविलियन की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, यानी कि इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो अब रिलीज़ किया जा चुका है। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है और काफ़ी वेरियस टाइप की इसके अंदर पोस्ट आई है। तो अगर आपका ड्रीम है नेवी के अंदर जाने का तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रह सकती है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है, कौन कौन सी पोस्ट आई है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, एज क्या मांगी गई है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट या फिर क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंडियन नेवी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे देख लीजिएगा इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट NCET 1/2024 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट इनकी ये है joinindianarmy.gov.in। वेरियस ग्रुप बी NG एंड ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। वेरियस कमांड एप्लीकेबल इन अदर फॉर्म्स ऑफ मेलिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मतलब ऑनलाइन आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके अलावा कोई भी अदर मोड से आपको जो फॉर्म है वो नहीं भरना है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशल कहा गया ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेना जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की NG यानी कि नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे बैंड यहाँ पे बताया गया है। CPC लेवल 6 की ये नौकरी रहने वाली है और जो सैलरी है वो आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है बट इसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो पेशेंस बनाए रखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो मैं फिर से बता देता हूं, इसके अंदर दो ग्रुप की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप बी की पोस्ट। ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर आती है। आइए हम पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आई है। तो ये ग्रुप बी के अंदर देख लीजिएगा चार्जमैन की पोस्ट आई है, ऑनोमेशन वर्कशॉप की, इसके अंदर चार्ज मैन की आई है फैक्ट्री के अंदर, इसके अंदर चार्जमैन मैकेनिक की आई है और साइंटिफिक असिस्टेंट की आई है। ये आप देख लेना कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेना ग्रुप सी की भी देख लेते हैं। ग्रुप सी के अंदर देख लेना CPC लेवल 4 की नौकरी है और जो सैलरी है वो आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और जो वैकेंसी आई है वो ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन की इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं फायरमैन की भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, ये देख लेना ग्रुप सी के अंदर पोस्ट आती है फायरमैन की, लेवल 2 की नौकरी है, 19,000 से लेके 63,000 के बीच में आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है। नंबर ऑफ यहाँ पे देख लेना कमांड्स की यहाँ पे बात की गई है, कौन सी कमांड के अंदर जो फायरमैन की है वो पोस्ट निकाली गई है। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आई है, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर आई है, साउथ नेवल कमांड के अंदर आई है, अंडमान निकोबार कमांड के अंदर आई है। टोटल जनरल की 194 पोस्ट है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 444 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है फायरमैन की। उसके बाद हम देख लेंगे फायर इंजन ड्राइवर की बात करें, ग्रुप सी के अंदर आती है और इसकी भी जो सैलरी है वो आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये मिलने वाली है। इसके अंदर भी यहाँ पे कमांड के अंदर वेरियस टाइप की पोस्ट निकाली गई है, तो ये भी आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ जो जो मेन चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। तो उसके बाद देख लेना ट्रेड्समैन मेट की भी जो वैकेंसी है वो आई है, ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी आती है, लेवल 1 की नौकरी है, 18,000 से लेके 56,900 इसके अंदर सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके बाद देख लेते हैं, ये भी वेरियस कमांड के अंदर आई है ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है, यहाँ पे आप कमांड्स देख सकते हैं और टोटल वैकेंसी जनरल की 74 इसके अंदर निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे देख लेना पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी के अंदर आती है, सैलरी 18,000 से 56,000 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। ये भी वेरियस डिपार्टमेंट यानी कि दो कमांड के अंदर निकाली गई है, वेस्टर्न कमांड और साउथर्न कमांड के अंदर, जनरल की इसके अंदर 10 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद कुक की वैकेंसी देख लेते हैं जिसको शेफ भी बोला जाता है, ग्रुप सी के अंदर आती है ये और लेवल 2 की नौकरी है, 19,000 से 63,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। साउथर्न नेवल कमांड के अंदर वैकेंसी आई है, जनरल की इसके अंदर 5 वैकेंसी है।
उसके बाद देख लेना मल्टीटास्किंग मिनिस्ट्रियल के अंदर पोस्ट आई है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है और नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर आई है, लेवल वन की नौकरी है, 18,000 से 56,900 के बीच सैलरी मिलने वाली है। साउथर्न नेवल कमांड के अंदर ये पोस्ट आई है, जर्नल की इसके अंदर 11 पोस्ट आई है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये इतनी सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, ये डिजेबल पर्सन के लिए निकाली गई हैं, बताई गई है डिजेबल पर्सन के लिए। कोई बात नहीं, हम आगे आ जाते हैं, जो जो मेन चीज़ है वो सारी हम डिस्कस करते चलेंगे। ये सारी डिजेबल पर्सन की यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है, कितनी फायरमैन की वैकेंसी है, कैसे कुछ है, तो हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं। ये एब्रीवेशन है, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये रिजर्वेशन और एज की बात की गई है, एज देख लेना यहाँ पे, एज लिमिट की बात कही है, डिटेल आर फॉलो। चार्जमैन ऑनोमेशन वर्कशॉप के लिए यहाँ पे देख लेना, चार्जमैन और ऑटोमेशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25 साल मांगी गई है, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए भी 18 से 25 साल मांगी गई है, चार्जमैन मैकेनिक के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रोड्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, फायरमैन के लिए 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी 18 से 27 साल होनी चाहिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे देख लेना 18 से 25 साल होनी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए भी 18 से 25, कुक के लिए भी 18 से 25 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 25 यहाँ पे एज जो लिमिट है वो रखी गई है। उसके बाद हम मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चार्ज ऑनोमेशन वर्कशॉप की बात की गई है, यहाँ पे देख लेना एसेंशियल में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस के अंदर विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस के अंदर विद साथ में आपके पास या तो फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चार्ज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे देख लेनी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर, वही सेम रखी गई है, या फिर आपके पास साथ में एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री साइंस के अंदर तो होनी ही चाहिए, साथ में फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर मैथ का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे एक बार देख बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, और वाला कहाँ गया भाई वो, चलो कोई नहीं आगे आएगा तो हम देख लेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं, हाँ ये रहा और वाला, सॉरी ये रहा सेकंड पॉइंट, इसमें कहा गया या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होना चाहिए या फिर आपका मैकेनिक्स के अंदर होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चार्जमैन मैकेनिक की बात करें तो पहले पॉइंट में कहा गया डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसके अंदर, मैकेनिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप चार्जमैन मैकेनिक के लिए फिल कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की हम बात कर लेते हैं, बीएससी डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर ऑन्कोग्राफी के अंदर, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड के अंदर, तो ये मांगा गया है, तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ड्रॉट्समैन की बात कर लेते हैं, 10वीं पास आप होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, साथ में 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रॉट्समैन इन फ्रॉम इंडस्ट्रियल आईटीआई के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, तो आप ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए फिल कर सकते हैं। फायरमैन की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी के अंदर रहने वाला है और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो भी इसी के अंदर आई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 पास आप पास होनी चाहिए, साथ में एलिमेंट्री और बेसिक ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो फायर फाइटिंग कोर्स है वो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो ये जो अगर 2 आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल जो कंडीशन है वो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, ये फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताया गया है, कोई बात नहीं हम आगे आ जाएंगे। फायर इंजन ड्राइवर के लिए देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में +2 आप पास होनी चाहिए, साथ में मस्ट प्रोसेस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी, तो आपके पास +2 पास होने चाहिए साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसकी फिजिकल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और ये देख लेते हैं ट्रेडमैन मेट्स की देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। 10वीं पास आप पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल, साथ में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड ट्रेड के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पेस्ट कंट्रोलर वर्क की बात करें तो 10वीं पास आप होनी चाहिए, साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की। कुक की बात करें तो 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कुछ और, तो कुछ नहीं दिया गया, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ बताई गई हैं, कौन जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उनका क्या कुछ वर्क रहने वाला है ये यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। तो अगर आप स्पेशली कहेंगे तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ के बारे में भी अलग से वीडियो बता दूंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता चलता हूँ, यहाँ पे चार्जमैन जो की पोस्ट है ओनोमिनस वर्कशॉप, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, यहाँ पे चार्जमैन फैक्ट्री की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, यहाँ पे चार्जमैन मैकेनिक की ड्यूटी के बारे में बताया गया, ये सारी ड्यूटीज़ बताई गई है क्या क्या आपको काम यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट आउट पर और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रखी गई है इसके अंदर। ये हो गया कुक, उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, और हम देख लेते हैं यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है, एससी एसटी को 5 साल का दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी को, ये आप देख लेना जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेम वैसा ही यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। तो क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं, द क्रूशियल डेट डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपकी लास्ट डेट काउंट की जाएगी, मतलब जो आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी वो आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी एज, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए जितनी इस नोटिफिकेशन में मांगी गई है। उसके बाद एग्जामिनेशन की फीस हम कर, एग्जामिनेशन कितनी आपकी फीस लगने वाली है तो ये देख लेना। एग्जामिनेशन फीस का ये कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट रिक्वायर्ड टू पे ए फी रेट 295 एक्सक्लूडिंग एक्सेबल टैक्स चार्ज। तो ये कहा गया है इसके अंदर जो एससी एसटी के बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं, जो एक्स सर्विसमैन है और जो महिलाएं हैं, इन सभी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी बच गई उन सभी को 295 का जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आप जो भी यूज़ करते हैं, रुपए करते हैं, पेटीएम करते हैं, जो भी करते हैं उससे आपको 295 की जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन सिटी की यहाँ पे बात की गई है, ये बाद की बातें हैं, आप पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी डिफरेंट स्टेट विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट आर सेलेक्ट एनी 3 चॉइस। तो आप जब जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर 3 चॉइस आपको सेंटर की दी जाएगी, तो जैसे ही आप चॉइस करेंगे उसके नियर बाई आपको सेंटर मिल जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है जितना जल्दी हो उसके इस फॉर्म को भर दीजिएगा, वही बात है पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट में कहा गया है कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन रिस्पेक्ट सेपरेटली, कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट शुड अवेयर द सेंटर ईच एग्जामिनेशन मे बी डिफरेंट एंड एग्जामिनेशन मे बी सेम डे शिफ्ट इफ़ एग्जामिनेशन आर टू डिफरेंट शिफ्ट। तो ये बेसिक सी मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, इसके अंदर ये कहा गया है अगर वैसे तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट सेपरेट डे आएगा, एग्ज़ाम आपका एक दिन भी आ सकता है, अलग अलग सेंटर पर भी आ सकता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आयोग इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक से पोस्ट फिल कीजिएगा अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट फिल कर रहे हैं तो। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर, देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये देख लेना मोड ऑफ सिलेक्शन में कहा गया है स्क्रीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन कैंडिडेट टू अपीयर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका और सीबीटी आपका लिया जाएगा। स्कीम एग्जामिनेशन आपका किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे देख लेना, जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जर्नल अवेयरनेस जीके जीएस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सिलेबस एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है, चार्जमैन ऑटोमोनस आप डिटेल से देख लेना, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। जर्नल अवेयरनेस से ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे और
फायरमैन के लिए ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। उसके बाद हम देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूछे जाएंगे। उसके बाद ड्रॉट्समैन, कॉन्स्टेबल, ट्रेड्समैन, कंट्रोलर, वर्क, इन सभी के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। तो ये देख लेना आप आराम से बैठ के, PDF में वहाँ पे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप आराम से बैठ के डिटेल से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आराम से लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट की दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर पोर्टल जो है 20 जुलाई से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 2 अगस्त रखी गई है। तो 10 से 12 दिन का ही समय दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को ऑनलाइन शुरू होते ही अपना फॉर्म फिलअप कर देना, अदरवाइज 12 दिन के बाद इसका पोर्टल ओपन रहेगा या नहीं रहेगा, डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप इतना जल्दी उसके फॉर्म भर के इसकी तैयारी में लग जाइएगा। गाइडलाइंस फिलिंग एप्लीकेशन में कहा गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन नेवी, इसी के ऊपर जाकर आपको जॉइन नेवी करना है, फिर वेज टू जॉइन पर जाना है, सिविलियंस पर जाना है, INCT 1/2024। तो ये अपना फॉर्म आप अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद कहा गया है, ये कोई बेसिक सी जानकारी है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और हम आगे आ जाते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन का आ गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन कोई ज़रूरी नहीं है। नेशनलिटी का आ गया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान वाला भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये बेसिक सी जानकारी है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप पहले से काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं तो इसीलिए आपको हर चीज़ बतानी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। और हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन कैंडिडेट, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, बहकावे लोगों से दूर रहें, मतलब जो कहते हैं कि हम रुपए ले दे के लगवा देंगे उनसे दूर रहें, ऐसा कुछ वहाँ पे कहा गया है। और ये कहा गया बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रो द इंस्ट्रक्शन, गिव द नोटिस एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली। तो नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पहले से रीड कर ले, पढ़ ले, उसके बाद ही आप जो अपना फॉर्म है वो फिलअप करें, ऐसा इनके यहाँ के इसके द्वारा बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं PWD, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक्शन लिया जाएगा, मतलब जो गलती पाए गए वो करते पाए गए उनको दंड दिया जाएगा इतने सालों का, ये देख लेना आप। और लास्ट डेट ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे देख लेना, एब्सोल्युटली फेयर किया जाएगा सिलेक्शन आपका। लास्ट डेट ये देख लेना, 2 अगस्त लास्ट डेट है, रात के 11:59 तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। फॉर एनी क्लेरिफिकेशन असिस्टेंट कैंडिडेट टू राइट कॉल टू अस, ये इनका यहाँ पे ईमेल हेल्प डेस्क दिया गया है, तो आप आराम से देख के देख लेना। और लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ट्रेड्समैन मेट, ये जो ट्रेड्समैन मेट की थी ये देख लेना, यहाँ पे ट्रेड वगैरह आराम से दी गई है, किसी को कोई डाउट हो तो आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये नोटिफिकेशन था, तो अब जारी कर दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। मैं बता देता हूँ, नेवी के द्वारा अब सिविलियन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आराम से बैठ के अपना पढ़ लीजिएगा इसको। और नोटिफिकेशन के बारे में सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, एलिजिबिलिटी बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, एज बता दी है, एग्ज़ाम सिलेबस बता दिया है, पैटर्न बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंने आपको बता दी है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं कोई और नया नोटिफिकेशन आए तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।